साथियों नमस्कार। साथियों पता चला है कि हरियाणा के अंदर बहुत से किसानों के पास कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं, जो आंदोलन के दौरान मुकदमे बने थे उनके नोटिस आ रहे हैं। सरकार से फैसला हुआ था कि सरकार सभी केस वापस लेगी, और जहां तक हमने मालूम किया है केस वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी दिनों से चली हुई है, और जो कोर्ट के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो सीधे पुलिस के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम कम लगता है, तो उसकी प्रक्रिया चली हुई है। तो कोई भाई जो कोर्ट के सम्मन आते हैं या तो वो सम्मन ना ले, और अगर सम्मन आ भी जाए तो कोई जी भाई को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। तो सरकार से प्रक्रिया चली हुई है, कोई भाई किसी तरह का वहम ना करे, कोई असमंजस की स्थिति किसी तरह की पैदा ना हो। और इस पर हम दो मीटिंगें जो है वो CID का जो चीफ है वो सरकार ने नियुक्त किया हुआ है अपनी तरफ से, उससे दो मीटिंगें पहले हो चुकी हैं, और भी शायद नज़दीक के भविष्य में उनसे मीटिंग होगी। तो जो फैसला हरियाणा सरकार ने किया था उस पर केस वापसी की प्रक्रिया जो है वो उन्होंने काफ़ी दिनों से चलाई है, वो हमने उस पर नज़र रखे हुए हैं, और आगे जैसी पोजीशन भी होगी वैसा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। कोर्ट के सम्मन किसी के पास आते भी हैं तो कोई भाई अभी या तो सम्मन ना पकड़े, और पकड़ भी ले तो अभी तक कोर्ट में ना जाए जब तक सरकार की तरफ से कोई हाँ या ना का जवाब क्लियर नहीं हो जाता। उसकी प्रक्रिया जो है वो हम थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कहाँ तक वो पहुंची है।